हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्डप्रेस 40 डेज मास्टरी कोर्स के डे 15 में। और आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि कमेंट को मैनेज कैसे करेंगे अपने पोस्ट पे, और कमेंट एडिट और मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो हम लोग कमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है, तो जल्दी इसको लोग देख लेते क्या होता है। तो यहाँ पर लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे पेजेस के नीचे ही ऑप्शन आता है कमेंट्स का। इस ऑप्शन पे आप जाकर सारे कमेंट दे सकते हैं, जो कमेंट आपके पेजेस में आए हैं और जो आपके पोस्ट में कमेंट आए हैं। आप कमेंट में क्लिक कर लेते हैं, और अभी यहाँ पर बाई डिफॉल्ट कमेंट आया हुआ है जो वर्डप्रेस ORG की तरफ से आया है। तो यहाँ पे आपके बहुत से ऑप्शन आते हैं, जैसे आप यहाँ से इसको हमने अप्रूव कर रखा है, तो यहाँ से आप इसे अनअप्रूव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, और सर आप इस कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं और रिप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको अनअप्रूव कर देते हैं। तो मतलब जो ये कमेंट है अभी आप किसी को शो नहीं करेगा वेबसाइट में, तो यहाँ से आपको अप्रूव करना पड़ता है, और यहाँ से आप रिप्लाई भी दे सकते हैं। जैसे रिप्लाई पर जाएंगे तो आपको जो भी करना है वो आप लिख सकते हैं, इससे आपको रिप्लाई हो जाएगा। तो रिप्लाई करने के लिए आपको पहले अप्रूव भी करना होगा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं रिप्लाई एंड अप्रूव। तो सिंपली देखिए, हमने आपको रिप्लाई दे दिया है। आप इसके कमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको एडिट पे जाना होगा। और यहाँ पर लोग आ चुके हैं, यहाँ से पूरी कमेंट आ चुकी है, तो आपको जो भी एडिट करना है यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा ये कर लेते हैं और हेलो कर लेते हैं, आपने कर लिया है, और इसको अपडेट कर देते हैं। इस तरह आप कमेंट चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग किसी का भी। और देखिए, यहाँ पर कमेंट चेंज हो चुका है और सिंपल कमेंट आ चुका है हेलो का। और आपने कमेंट में देख लिया है कि आप कैसे उसको अप्रूव करेंगे और रिप्लाई करेंगे, और कैसे एडिट करेंगे, और कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और सिंपली हम लोग देखेंगे कमेंट के ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं अपने पोस्ट में। और सिंपली इसके लिए हम पोस्ट में आ जाते हैं, और ऑल पोस्ट में आ जाते हैं। और यहाँ पे दो पोस्ट आ रही है, फर्स्ट ब्लॉग और हेलो वर्ड की। तो सिंपली लेते हैं ओपन इन न्यू टैब पे। देखिए, आप अपना फर्स्ट ब्लॉग ओपन हो चुका है, और यहाँ नीचे जब आएंगे तो यहाँ कमेंट का ऑप्शन आएगा। तो नीचे आकर दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, कमेंट कर सकते हैं और पोस्ट कमेंट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ कमेंट किया, यहाँ पर कमेंट पोस्ट हो चुका है। यहाँ कमेंट मेरा एडमिन का है, तो यहाँ कमेंट डायरेक्ट पोस्ट हो चुका है। लेकिन अगर बाहरी यूज होगा तो उसको पहले अप्रूवल की जरूरत होगी, तब कमेंट शो करेगा यहाँ पे। तो सिंपली मुझे ऐसे अगर इस कमेंट के ऑप्शन को हटाना है, तो उसके लिए सिंपली हमें वापस आना होगा डैशबोर्ड में। सिंपली हमें आप फर्स्ट ब्लॉग में कमेंट का ऑप्शन हटाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉग पे जाना होगा और फिर क्विक एडिट पे जाना होगा। और देखिए, यहाँ पे आ चुका है कमेंट अलाउ कमेंटिंग में इनेबल है ऑप्शन, तो सिंपली हमें डिसेबल कर देना है और अपडेट कर देंगे यहाँ से। और जैसे इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कमेंट शो नहीं करेगा, मतलब कमेंट का ऑप्शन आएगा ही, तो कमेंट लोग करेंगे कैसे। तो सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉग में अपने कमेंट का ऑप्शन हट चुका होगा, तो यहाँ चेक कर लेते हैं आके। अभी तो आ रहा है, पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं टॉप पे जाके, और यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और रिफ्रेश हो चुकी है, अब नीचे आते हैं वेबसाइट के एकदम पोस्ट के नीचे। और सिंपली यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन हट चुका है, अब जो प्रीवियस कमेंट के रिप्लाई थे वो शो कर रहे हैं, और बाकी नए कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑप्शन हटा दिया है। तो वापस इस ऑप्शन को ले आते हैं, क्योंकि कमेंट का ऑप्शन बहुत जरूरी होता है पोस्ट में। जैसे आपके ऑडियंस आपको इंटरेक्ट कर सके और कुछ सजेशन देना यूजर को, तो आपको दे सकता है सजेशन। और सिंपली यहाँ पे वापस हम क्विक एडिट पे जाते हैं और अलाउ कमेंटिंग के ऑप्शन पे इनेबल कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो वापस कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और देखिए, रिफ्रेश हो चुका है। देखिए, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो इससे आप सिंपली हमने यहाँ पे देख लिया है कि किसी भी कोई कमेंट को हम लोग मॉडिफाई कैसे करते हैं, अप्रूव कैसे करते हैं और रिप्लाई कैसे देते हैं। और साथ में हमने यहाँ पे कमेंट के ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल करना भी सीख लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल डे 16 में, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग स्टैटिक पेज कैसे क्रिएट करेंगे अबाउट और कॉन्टेक्ट पेज का, और पूरा इंटरेक्टिव पेज बनाएंगे। अबाउट और कॉन्टेक्ट पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होते हैं, जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी शो करते हैं कि आपकी वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं, जहाँ पे आप अपने बारे में डिटेल देते हैं और अपनी वेबसाइट के बारे में डिटेल देते हैं और अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल देते हैं, कि जैसे भी कोई कॉपीराइट का इशू हो और कोई भी आपको कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकता है। अबाउट और कॉन्टेक्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप एडसेंस का अप्रूवल चाहते हैं अपने वेबसाइट के ब्लॉग पे। तो आने वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट और कॉन्टेक्ट पेज कैसे क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली, और आने वाली वीडियो में हम लोग अबाउट अ कॉन्टेक्ट पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट करेंगे एक सर्विस के थ्रू। तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आने वाली वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल डे 16 में।